नमस्ते, मैं हूँ रेणुका। तो आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको और एक बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार रेसिपी बना के दिखाने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको छाछनी में बनाई हुई एकदम खुशखुशीत और स्वादिष्ट ऐसी शंकरपारी बना के दिखाने वाली हूँ। इतनी खुशखुशीत की मुंह में डालते ही वो घुल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ये स्वादिष्ट शंकरपारी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप मैदा लिया है। तो आप ये शंकरपारी बनाने के लिए गेहूं आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद हमें इसमें 2 चम्मच बारीक सूजी डालनी है। फिर उसके बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालना है। फिर उसके बाद हमें इसमें 1/2 चम्मच खाने का सोडा डालना है। फिर हमें इसमें 1/2 कप घी का मोहन डालना है। तो आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद अभी हमें इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमें इस घी के मोहन को और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जितना ये अच्छी तरह से मिक्स होंगे, ये शंकरपारी उतने ही ज़्यादा खुशखुशीत बनेगी। तो ये देखिए, अभी यहाँ ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने इस मैदे को गूंदने के लिए 1 कप दूध लिया है। तो आप दूध की जगह पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद अभी हमें इस मैदे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो यहाँ मैंने मैदे को गूंद लिया है। फिर उसके बाद अभी हमें इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही भीगने के लिए रख देना है। तो अभी 10 मिनट हो चुके हैं और ये मैदा अभी अच्छी तरह से भीग चुका है। फिर उसके बाद अभी हमें इस मैदे की गोली बनानी है और इसे हमें बेलना है। तो हमें इस गोले को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, जाड़ा ही बेलना है। तो जितना हम इसे जाड़ा बेलेंगे तो शंकरपारी उतनी ही ज़्यादा खुशखुशीत बनेगी और क्रंची बनेगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इस गोले को बेल लिया है। फिर उसके बाद हमें एक चाकू लेना है और इस गोले को हमें चारों तरफ से चौकोने आकार में कट करना है। फिर उसके बाद अभी हमें इसे शंकरपारी के आकार में कट करना है। फिर उसके बाद अभी हमें इसे शंकरपारी के आकार में कट करना है। तो आप इसे चौकोने आकार में भी कट कर सकते हो। तो ये देखिए, मैंने शंकरपारी को इस आकार में कट किया है। फिर उसके बाद अभी हमें इसे फ्राई करना है। तो उसके लिए मैंने गैस पे तेल रख दिया है और तेल भी अभी गर्म हो चुका है। फिर उसके बाद अभी हमें इसमें कट किए हुए सारी शंकरपारी डालनी है और गैस को एकदम बारीक रख के हमें इन्हें फ्राई करना है, तभी अच्छी तरह से अंदर तक फ्राई होंगी और खुशखुशीत बनेंगी और क्रंची बनेंगी। तो हमें इन्हें एकदम गैस को बारीक रख के फ्राई करना है। तो अभी यहाँ ये शंकरपारी फ्राई हो चुकी है। फिर उसके बाद अभी हमें इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है। फिर उसके बाद अभी हमें छाछनी बनानी है। तो उसके लिए मैंने गैस पे बर्तन रख दिया है। तो सबसे पहले हमें इसमें 1.5 कप चीनी डालनी है। फिर उसके बाद हमें इसमें 1 कप पानी डालना है। फिर उसके बाद अभी हमें इस छाछनी को पकाना है। तो हमें एक तार वाला पाक बनाना है। तो हमें अच्छी तरह से इसे पका लेना है। तो अभी यहाँ ये पाक बन चुका है, तो मैं इसे चेक करती हूँ। तो ये देखिए, एक तार वाला यहाँ चाशनी बन चुकी है, पाक बन चुका है। फिर उसके बाद अभी हमें इस चाशनी में फ्राई किए हुए सारी शंकरपारी डालनी है और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये छाछनी पूरी तरह से सूखने के बाद ये शंकरपारी बनके तैयार हो जाएंगी।
तो ये देखिए अभी यह पाक सूखने लगा है और चीनी इस शंकरपारी को अच्छी तरह से लग चुकी है। तो यहाँ अभी शंकरपारी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है और यहाँ अभी चाशनी वाली शंकरपारी बनके तैयार हो चुकी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो फिर से मिलते हैं और एक नई वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।